हरिओम। बहुत प्यारे दो लाइनें हैं, कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन भी खोएं क्यों। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में फिर रोएं क्यों। पता नहीं कब क्या हो जाए, जब मौका मिला है थोड़ा खुशहाली में जीवन जीना सीख लें, हम छोटी छोटी खुशियां मना लें। भगवान जी बोलते थे हंसो हंसो हंसो, खुशी मनाओ। प्रसन्नचित वाले के अंदर परमात्मा बैठता है, उसकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। अभी कल का नाम तो काल है, यही आज के सुख में रहो, यही आज का प्रसाद है। अगर आज का दिन आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा तो क्या आप वही करोगे जो आप आज करने वाले हो? नहीं करते हैं ना वो। हम भविष्य में हम सबको पकड़ कर रखता है ना, फ्यूचर कल क्या होगा। पास्ट इज ए हिस्ट्री, प्रेजेंट इज ए गिफ्ट और फ्यूचर इज ए मिस्ट्री। ये बनाया है ना भगवान जी का, पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री और प्रेजेंट इज गिफ्ट। यही नाम है कि कल का नाम है काल, आज का जीवन जियो। मैं कल ये काम कर लूँगा, हम सोच के रखते हैं कि कल तो आने दो, पर सबसे पहली बात कि कल कभी आता ही नहीं है। कल को कभी हमने आते देखा है नहीं, जब आता है आज आता है, टुडे। और हम अपने आज को खराब कर रहे हैं उस कल के लिए जो कभी आएगा नहीं। और जब आज की तरह कल आएगा भी तो हमारी आदत मजबूत होती जा रही है रोज़ रोज़। आज को बर्बाद करने की आदत, ये आदत सघन हो जाती है। इसलिए कोई भी 21,600 श्वास हैं हम बर्बाद नहीं करते हैं, ये आदत बन जाती है हमारी। आज को बर्बाद करने की आदत, ये आदत सघन हो जाती है, स्ट्रांग होती जाती है। आज भी हम कल की तरह सोचेंगे तो क्या होगा, फिर हम ज्ञान में क्यों आए, है ना। भगवान जी ने तो हमें आज के दिन में जीने के लिए बोला है, खुश रहो, सबसे प्यार करो, मरो मिटो झुको, किशमिश की तरह बन जाओ। कब तक बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसे बुरा कोई नहीं। ये सब चीज़ें उन्होंने हर वेले वचन दिए हैं हमको। कैसी कैसी बातों में डल गई उम्र, ऐसी बातों में डल गई उम्र, वक्त वो कहाँ से आए जो आज गुजर। देर हो गई मगर फिकर ना करो, दोबारा ही ना आएगा। हो जपा करो, क्यों भटक रही हो यहाँ, किसके वास्ते, कौन है यहाँ तुम्हारा, क्या तलाश है। मुख पे ये सवाल है, कुछ जवाब दो, इशारा मिल ही जाएगा। ओम जपा करो। किन बातों में डल गई उम्र, वक्त कहाँ से आएगा जो चला गया गुजर गया।
हम कल भी यही कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हैं। इन सब के बीच में हम जिएंगे कब, क्योंकि दो कल के बीच में हम उलझे हुए हैं। हम जिएंगे कब, ये दो कल चक्की के दो पाच हैं जिनके बीच में हम पिस रहे हैं, जिसमें कबीर ने कहा है दो पाटन के बीच में पिस रहा है संसार। क्या है बंदगी कर ले प्रभु की, वरना तू पछताएगा। इसी तरह हम दो पाटन में, जगत और जगदीश में पिस रहे हैं। इनसे बाहर आने के लिए ही तो भगवान जी आए, हमें निकालने के लिए। क्यों लाया उन्होंने, क्यों पकड़ा हमें। कितनी बारी वाणी में बोला, तुम अंदर में जानना मन बहुत बड़ी बला है, उसकी संभाल करने का है। किसी प्यारे में मन अटक ना जाए, किसी प्यारे में मन अटक ना जाए, भगवान में लगे खाली। हमेशा तुम्हारे से नम्रता होनी चाहिए। एक शब्द देखो, कब की वाणी है ये पुरानी, तब भी बोला है कि तुम्हारे से नम्रता होनी चाहिए। एक शब्द में तुम ज्ञान सुन सकता है। आपस को जो जाने नीचा, अपने को जो कुछ भी ना समझे वो है ज्ञान। और तुम त्यागी वैरागी साधु सन्यासी बनता है। कोई भी कुछ मानेगा तो आत्मा को नहीं जानेगा। तुम कुछ भी अपने को नहीं समझना, अहंकारी किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, है ना। कितनी बारी मैं बोलती हूँ, कोई लेडी होगी, 10,000 की साड़ी पहनी है, 2,000 का पर्स है, डायमंड सेट है, और अहंकार होगा तो वो ब्यूटी नहीं लगेगी। वही वैसा इंसान अगर बिल्कुल नम्रता प्यार वाला है, ज़ीरो है, तो हम सब उसके पास बैठना चाहेंगे ना। कैसी कैसी बातें हैं ये गुरु आके बताता है, हम अहंकार से ऊपर होके चलें। भगवान ने अहंकार का बड़ा दुश्मन है, अहंकार का। बोलते ना भगवान का खाना क्या है, आपने सुना होगा सत्संग में जब बैठे होंगे। मैं हूँ ना, भगवान है, तू है, निर्बल है तू, पांच तत्व का पुतला है तू, क्या बदन बनेगा। तू क्यों बनता है, तू क्यों अपनी पूजा कराता है, तू क्यों ऐसा समझता है कि मैं कुछ हूँ। तू कुछ भी नहीं है, मैं भगवान की भगत हूँ, भगत भी तुम्हारा शरीर है, अंदर भगवान है, ऐसा आज समझना। एक भगत एक भगवान, ब्यूटीफुल। तभी बोलते जो अंदर बैठा है उसको पूजो। अगर देवरानी जेठानी है, तुम्हारी आपस में नहीं है, तो उसके नूर देखो। ये भगवान जी के मुख से मैंने सुना था, उसकी आंखों में देखो नूर किसका है। बाहर भगत भगवान नहीं है, अंदर ही भगत भगवान है। तू घुड़सवार है, तू अपने को ही आशिक समझना, अपने को ही माशुक समझना। ये शरीर को आशिक होने का है कि ये अंदर अंदर वाले भगवान से मिला नहीं, बाहर वाले भगवान से मिला तो क्या हुआ। बाहर वाला भगवान भी सपने का है, अंदर वाला भगवान जो है वो जागंदी ज्योत है। तुम ज्योत को पहचानो, आत्मा को पहचानो। 24 घंटा ज्योत जलती रहती है। आज के टाइम पे जब सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना है, ओमिक्रॉन है, उस समय हम देखें कि क्या है। मैं ज्योत स्वरूप हूँ, निडर हूँ, या मैं डर रही हूँ। हम औरों का सहारा बन जाए ऐसे वाले समय में, जो है ना। अपने को अजर अमर समझो, बीमारी भी नहीं आए, दुख भी नहीं आए, क्योंकि तुम आत्म जागृति में रहेगा। देह के सुख में तू नहीं रहना, देह का सुख है टके टके का। देह को कितना भी सुखी करेगा, सुख मांगत दुख आगत आगे। जो सूरत बुद्धि में, जो सुख बुद्धि में रहता है, उसको ही दुख मिलता है। जो बोलता है सुख भी क्या चीज़ का है, दुख भी क्या चीज़ है, सब मन की कल्पना है। पर आत्म जागृति जो है वो सत्य है। जो आत्मा का आनंद लेकर बैठा है, उसको दुनिया का टकी टकी वाला सुख कहाँ अच्छा लगेगा। जितने भगवान जी के प्यारे बच्चे सुन रहे होंगे, है ना, हम सब ऐसे बन गए ना। इस टकी टकी के सुख में हम कमज़ोर नहीं हैं। खूब सारे आशीर्वाद, खूब सारे आशीर्वाद। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। हरिओम। पल पल संत तुझे समझाएं।